हाय जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे प्लाजो जिसकी लंबाई 38 इंच है, कमर एक भाग 12 इंच है, हिप हम 15 इंच लेंगे, मोहरी हम 14 इंच लेंगे। सबसे पहले 38 इंच में 4 इंच जोड़ेंगे तब 42 इंच आ जाएगा। ये हमारी पूरा लंबाई है, लंबाई ले लेंगे 38 इंच आएगा, उसमें 4 जोड़ेंगे। कमर हमारा 12 इंच, हिप हमारा 15 इंच और बाजू से भी इधर 15 इंच लेंगे। मोहरी हमारा 14 इंच है। ठीक है, कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। ड्राइंग बंद भाग हमारी ओर है, खुला भाग बाहर की ओर है। लंबाई हमारा 40 इंच आ रहा है तो हम 2 इंच जॉइंट करेंगे। पहले कमर ले लेते हैं 12 इंच में, नीचे 15 इंच है हिप के लिए, बाजूस भी 15 इंच है। इसे चौकोन करके 1 इंच गोला ले लेंगे, गोलाई के लिए गोल कर देंगे हल्के हल्के हाथों से। 14 इंच लेंगे मोहरी के लिए, इसे हल्के हल्के हाथों से मिला देंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा प्लाजो कटिंग हो गया है। पट्टी काट लेते हैं नीचे के लिए, नीचे मोड़ने के लिए। सबसे पहले हम नीचे मोड़ लेंगे, एक भाग प्रेस लाइन देंगे, बस एक सिलाई मोड़ के एक सिलाई ऊपर में करेंगे। ये हमारा मोहरी तैयार हो गया है नीचे का। दोनों भाग को जोड़ लेंगे, हिप वाला भाग जोड़ लेंगे। डबल सिलाई कर रहे हैं। यह हमारा दोनों भाग जुड़ गया है। नीचे का मोहरी से लेके दूसरा मोहरी तक जोड़ लेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा जोड़ना है। यह हमारा जॉइंट हो गया है। अब हम इलास्टिक लेंगे, इलास्टिक हमारा 32 है कमर, तो हम 30 इंच लेंगे, 2 इंच घटा के लेंगे। इलास्टिक को मोड़ लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। इलास्टिक फिट कर लेते हैं प्लाजो में। इलास्टिक को हल्के हल्के खींच खींच के हम प्लाजो में फिट कर लेंगे। ये हमारा इलास्टिक लग गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा प्लाजो कितना अच्छा बन गया है, बहुत घेरा बना हुआ है। आपको मैं पहन के दिखाती हूँ इसको। आपको प्लाजो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।